तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स के प्रेशर के बारे में। सो ड्रॉप और बबल में एक्चुअली तो फर्क होता है। ड्रॉप बेसिकली ड्रॉप है, ये तो आपको भी पता है। मतलब ड्रॉप पानी का ड्रॉप है, ड्रॉप का कंटेंट है पानी, बबल का कंटेंट पानी नहीं है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर सोचने वाली बात है, सपोज मैंने एक बबल बना के उड़ाया हवा में, अज्यूम यहाँ पर बबल उड़ रहा है, तो क्या हुआ? बबल उड़ रहा है तो सवाल ये है कि जो बबल मैंने उड़ाया है वो बबल बेसिकली हवा में उड़ कैसे रहा है? तो आप सोच रहे होगे, भाई क्या बोल रहे हो, उड़ाया है तो उड़ेगा ना? नहीं नहीं, बबल के अंदर क्या है? बबल के अंदर आप बोलोगे हवा है, ठीक है। बबल के बाहर क्या है? बबल के बाहर भी हवा है। तो इसमें क्या है? इसमें सोचने लायक बात है। कौन सी? बबल के अंदर भी हवा है, बबल के बाहर भी हवा है। हवा है मतलब प्रेशर है, सो बबल के अंदर भी प्रेशर है और बबल के बाहर भी प्रेशर है। सो बबल एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि बबल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। सो यही कॉन्सेप्ट है कि बबल सरवाइव कर रहा है हमारा एयर में, अदरवाइज फूट सकता है वो किसी भी समय। समझ में आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस, जब हम बबल को टच करते हैं तो हम प्रेशर उसका कम कर देते हैं, इसीलिए वो फट जाता है। समझ में आ रहा है? सो सपोज ये है मेरा बबल जिसका प्रेशर है पी आई। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी साइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो ठीक है, एक तरीके से इसकी साइज बढ़ा रहे हैं। सो साइज कहाँ हो गई इसकी? पी जीरो हो गई। मुझे इंटरेस्ट है प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में। सो मुझे किस में इंटरेस्ट है? प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में। इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से देखो, स्टेप्स देखो, फॉलो करो। सो बबल सर्किल होता है कि स्फीयर होता है? सो आंसर है स्फीयर होता है। सर्किल एक 2D फिगर है, ये 2D फिगर है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। रियल लाइफ में एवरीथिंग इज 3D, हर एक चीज 3D है। तो सर्किल 3D में कहते हैं हम स्फीयर, यानी कि एक्स वाई जेड कंप्लीटली एक बॉल स्फीयर है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। रिंग, अब रिंग देखो, रिंग एक्स और वाई वो एक 2D डायग्राम करके आप बोल सकते हो, और स्फीयर एक 3D इमेजिन फिगर। सो पी आई इस स्फीयर को नाम देता हूं बी। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बट कौन सा स्फीयर? ए का। सो मैं सिर्फ ए लिख देता हूं क्योंकि ए स्फीयर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो वो है 4πr², मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और सरफेस एरिया ऑफ बी स्फीयर, तो स्फीयर की फॉर्मूला तो फिक्स ही रहेगी, हमेशा 4πr² ही रहेगी। सो लिख देता हूं 4πr², बट मैथमेटिकली ये गलत है। मैथमेटिकली मतलब मैं कह रहा हूं ये लेंथ भी r है, ये लेंथ भी r है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसे r' नाम दे देता हूं और डिफाइन करता हूं कि r' क्या है। r' है r लेंथ प्लस कुछ डेल्टा r, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस। तो मैं क्या कर देता हूं, इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो मुझे मिलेगा 4πr प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर लेंगे तो हमें s स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 4πa² प्लस b² प्लस 2ab। सो इसमें से एक टर्म मैं निगलेक्ट कर सकता हूं जो कि है Δr² तो यहां पर एक चीज समझनी चाहिए कि स्क्वायर बहुत कम आएगा। अच्छा, बहुत कम कैसे आएगा? अब ये रेडियस आपको क्या लगता है कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? नहीं, 10^-2, 10^-3 बबल्स मीटर में अगर हम देखें बहुत बहुत कम रेडियस है उनका। सो रेडियस और भी कम हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। बट आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे, अगर 2 नंबर लेता हूं तो उसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 50 नंबर लेता हूं उसका स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। तो एक रूल होता है, 1 से अगर छोटा नंबर है 0 तक, 0 से लेके कोई 1 तक नंबर है,
उसका स्क्वायर उस नंबर से भी छोटा आएगा। एग्जाम्पल 0.01 दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर लेता हूं, तो आपकी जो थिंकिंग है आपको क्या लगेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से भी बड़ा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। तो मैं 0.01 इंटू 0.01 करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10^4, 10^4 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10^-4। ये तो बेसिकली 1:1 है, यानी कि 1:10^-5, 0.1231। शुरुआत कहां से की थी, यहां से, आए कहां पर, यहां पर। तो ये छोटा नंबर ऐड करके कुछ मिलेगा क्या लाइफ में, इतना कुछ कुछ भी नहीं, तो इसीलिए मैं बेसिकली रफ कर देता हूं उसे, तो ये रफ कर दिया। सो फाइनली मैं कहां पहुंचाऊंगा, फाइनली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं एज 4πr² प्लस 4×2 8πr∆r। मुझे क्या देखना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो इंक्रीमेंट करूंगा फाइनल, जो कि है ये क्वांटिटी 4πr² प्लस 8πr∆r माइनस जो इनिशियल सरफेस एरिया है 4πr² कैंसल, फाइनली मिला 8πr। तो यहां तक डेरिवेशन का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। सेकंड सेक्शन क्या है, बेसिकली मैं बाउंड्री बनाऊंगा, क्योंकि बाउंड्री अगर मैं नहीं बनाऊंगा आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो अगर बाउंड्री समझ ली हो तो आपको सब कुछ समझ जाएगा। देखो वर्क जो कि है वर्क डन, हम हमेशा से क्या करते आए हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पता है इतना तो पता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पहले रेडियस यहाँ था, अब रेडियस यहाँ आ गया, तो ये क्वांटिटी को मैंने डिफाइन किया है एस डेल्टा आर, अभी अभी बताया। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बाउंड्री तो बनाऊ, मैंने कहा बाउंड्री बनाता हूं, so ये बन गई छोटी सी बाउंड्री। इस चैप्टर में वर्क हमने क्या डिफाइन किया है, पॉज करके सोच के देखो, वर्क हमने डिफाइन किया है इन्ही टॉपिक्स में से, पॉज करके सोचो फिर देख सकते हो। सो वर्क हमने डिफाइन किया है बेसिकली वर्क डन पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी ए को वहां भेज दू। हाँ सर अभी याद आया हमें, ठीक है, हमारा एम क्या है, दोनों वर्क डन फाइन करें, दोनों को इक्वेट कर दें, अच्छा ठीक है। सो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो फोर्स की आप सोच रहे होंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, बट ना यहाँ मास का कंसर्न है ना यहाँ एक्सेलरेशन का कंसर्न है। सो फोर्स की दूसरी फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ प्रेशर इनटू एरिया। सो आप सोच रहे होंगे हाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हाँ यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो प्रेशर यहाँ पर कौन सा है, सो प्रेशर हमारा है बेसिकली इंक्रीमेंट, प्रेशर हमारा क्या है इंक्रीमेंट PI-P0, क्योंकि इंक्रीमेंट फाइंड करना है इसीलिए मैंने यहाँ पर सरफेस एरिया भी माइनस की, तो इसीलिए मैं प्रेशर भी माइनस करूंगा, और मुझे पता है कि बबल अगर सरवाइव कर रहा है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से। सो पी के जगह यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सो मैं एफ इज इक्वल टू दी पी इंटू ए, पी के जगह क्या लिखूंगा PI-P0, और एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr². हाँ तो ये तो F हुआ, ये क्या हुआ हमारा सिर्फ F हुआ, बट वर्क डन देखो टोटल क्या है। सो वर्क डन है फोर्स जो कि है PI-P0 4πr² और वहां से डेल्टा r रिटेन हो जाएगा। सो मे भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, बट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दो फॉर्मूला की वैल्यूज डाल रहे हैं और कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम वर्क डन देखें, सो टेंशन वैसे ही रखूंगा, डी ए चेंज इन एरिया हमने कैलकुलेट किया अभी अभी, इसका आंसर आया 8πr∆r। दैट्स इट, ये है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है dw, तो मैं दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम कर सकता हूं मैथमेटिकली। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आई विल गेट दोनों को इक्वल, बस एक साथ लिख दिया। सो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 4 पाई कैंसल r² कैंसल,
एक्चुअली आर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ से, तो माय मिस्टेक, मुझे फिर ब्लू से लिखना पड़ेगा. सो आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर यानी कि यहां से आर कैंसिल, यहां से टू कैंसिल, डेल्टा आर फोर वन जा फोर टू जा. सो प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू दी टू टाइम्स पी, यहां से आर बचा हुआ डिवाइड में गया. सो दैट्स इट. सो इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारा हो गया. कुछ टफ था? कुछ भी नहीं था. समझाने में देखो मुझे टाइम लगा, बट अगर खुद से करना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया, वर्क डन इक्वेट, दैट्स इट. कुछ हार्ड है ही नहीं. बट बबल के केस में जैसे हमने यहां पर पढ़ा था रिलेशन में कि अंदर भी है मेम्ब्रेन बाहर भी है, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से. तो इन केस ऑफ अ स्फेरिकल बबल हमारा आंसर आएगा ये. सो आप सोच रहे हो कि टू से मल्टीप्लाई कैसे किया, तो इसका रीजन इस वीडियो में मैं दे चुका हूं, काफी डिटेल में दिया है, काफी डिटेल. सो इस वीडियो की आप स्टार्टिंग खोल के देखिए, सो आपको रीजन समझ में आ जाएगा. सो इस तरीके से हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक भी खत्म हुआ. सो जल्दी